बस्ती उत्तर प्रदेश, दुष्कर्म का प्रयास, उलाहना पर पिटाई। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गांव की रहने वाली पीड़िता ने गांव के युवक हैदर उर्फ इकबाल पर गंभीर आरोप लगाया कि पीड़िता को युवक द्वारा पिछले 6 माह से लगातार परेशान कर रहा है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पीड़िता की थाने पर पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय न मिलने पर युवती और उसकी मां एसपी कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंची और उच्चाधिकारियों से मनचले पर पिछले 6 माह से लगातार छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से युवती का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जब पीड़िता के घर वाले शिकायत लेकर मनचले के घर गए तो उल्टा उनकी पिटाई की गई। पीड़िता की फरियाद के बाद एसपी द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें, गाँव का मनचला हैदर उर्फ इकबाल गाँव की ही एक किशोरी से पिछले 6 महीने से छेड़खानी और अश्लील हरकत कर रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले वह शौच के लिए गन्ने के खेत में गई थी, उसी दौरान मनचले ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और पीड़िता के विरोध पर उसके गुप्तांग में अपनी उंगली तक डालने का आरोप लगाई, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। युवती के शोर मचाने पर युवक मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने जब घर वालों से अपनी आपबीती सुनाई तो घर वाले आरोपी के घर पर शिकायत करने पहुंचे, जिस पर मनचले को समझाने की बजाय पीड़िता के परिवार की पिटाई कर दी गई। सीओ स्वर्णिमा सिंह ने कहा कि सोनहा थाना क्षेत्र की एक पीड़िता द्वारा एक मिला है शिकायती पत्र की जांच का आदेश दिया गया है, जांच रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। घटना हुई है 5-6 महीने से परेशान करत रही ना मैं ओकरे पास छेड़खानी फोन करता था अकबाल ओकरे बाद में हमें परेशान करा रहे हम अपने भाई से अपने अम्मा से आए के कहन ओकरे बाद में कहन कि चुप रहा जाए जो बेइज्जती हुई दबा दिन फिर हम गए वाशरूम 6 बजे सुबह के टाइम 21 तारीख के ओकरे बाद हमें पीछे से आग गन्नम पकड़ लिए हम जो हमारे अंदर मतलब डिपोज के मतलब हमारे अंदर वो डाले ना उंगली की ओकरे बाद में हम चिल्लाने जोर से फिर भाग लिए अम्मी हमार बहन हमार भाई हाँ डाले हैं ओकरे बाद हम चिल्लाने भाग लिए फिर गए हम घरे कहन ओकरे बाद हमारे लोग के मारे लागे कितने लोग की पिटाई की 3-5-6 लोग शिकायत करने गए थे हाँ फिर क्या हुआ यहाँ आज इसकी ऑफिस आई क्या हुआ मिली व्यक्ति से हाँ क्या करा इसके बाद में कहीं बाद में बताओ कार्रवाई के लिए बोले हाँ हाँ साहब हमारे बहन के साथ घटना हुआ है। हमारे बहन का 5-6 महीने से छेड़त रही है तो हमारे बहन आ हमारे से बताई तो हमारे कहन की जाए जो रहा जो बेइज्जती हुई ओकरे बाद ना ही कुछ बोले 5-6 महीने से तो 21 तारीख कही है हमारे बहन के सुबह के टाइम गई बाथरूम के ओकरे बाद हमारे बहन के गन्ना में पकड़ लीन वो हल्ला की ओकरे बाद मुँह छोड़ के वहाँ से भागी ने प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल दी ना तो हल्ला की तो भाग के आई घरे हमरे से कही तो हम चले गए ना पान नौकरी कर रहे साहब फेरी पे जाते रहे ओकरे बाद हम आए न घरे तो इनके लोग के सुने कि सब मारी ने तो वहाँ से हम भाग कर फिर घरे आए। एसपी से मुलाकात की एसपी साहब से मुलाकात की तो एसपी साहब कहीं जाओ आपके काम हो जाए थाने पे क्या ये मनबड़ और दबंग टाइप है साहब इनके लोग बहुत मनबड़ हैं दबंग हैं इनके लोग मारे की धमकी देते हैं कि मार देवे हमारे पैसा बहुत है हमारे पैसा बच के छूट जावे 6 महीने में इसके पहले भी आपकी बहन ने कभी बताया था 6 महीने के पहले एक बार बताए थे साहब तो हमारे कहीं बेइज्जती हुई एक नाते हमारे कुछ सुनाए कहन की शादी भी हमारे बहन के करे है और एक नाते हमारे कुछ नहीं कहा गए तो ये फिर इनके लोग जबरदस्ती करे लागे। सोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमें प्रार्थना प्राप्त हुआ है जिसमें पीड़िता ने छेड़खानी की शिकायत करी है उसके संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं जांच करके त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे के लिए कह दी गई है। अभी मामला जांच में है और जांच करके जैसा भी आएगा वो स्थिति आपको अवगत कराई जाएगी।